क्लासियों में कक्ष में विवाद के चलते मारपीट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरटीआई की जानकारी और जवाब को लेकर आज शनिवार को नगर पालिका में सीएमओ कक्ष में हुई मारपीट की घटना। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और अशोक श्रीवास्तव पर मारपीट का आरोप। आरटीआई लगाकर जानकारी मांगने वाले अनिल गर्ग की सीएमओ की मौजूदगी में हुई झूमाझटकी और पिटाई। सूत्र बताते हैं कि जानकारी न देने पर हुआ विवाद। बताया जा रहा है कि राज्य सूचना आयोग को जानकारी आज शनिवार के दिन छुट्टी के दिन बनाई जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि उसी वक्त अध्यक्ष और अपने कर्मियों व समर्थकों के साथ उसकी मारपिटाई कर दी। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी कांग्रेस पार्षद वंदना मांडे सहित अन्य के साथ भी सूचना के अधिकार के तहत विवाद हुआ था। शनिवार को नगर पालिका में हुई मारपीट का मामला सिटी कोतवाली पहुंचा, जहां अध्यक्ष एवं अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में सीएमओ संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना के अधिकार की जानकारी बनवा रहा था, वहां अनिल गर्ग भी थे। इसी दौरान अध्यक्ष और अशोक श्रीवास्तव व अन्य व्यक्ति आए और जानकारी को लेकर विवाद होने लगा, तो मैंने उन्हें कैबिन से बाहर बात करने को कहा। बाहर क्या विवाद हुआ, क्या झूमाझटकी हुई और मारपीट हुई, ये मैंने नहीं देखा। यहाँ देखने लायक बात होगी कि ये पूरा मामला अगर मारपीट का है तो सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी रिकॉर्डिंग दर्ज हुई होगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग तब मिलेगी कि उस समय के सीसीटीवी कैमरे वहां पर चालू हों। ये हुआ कि मैं नगर पालिका सीएमओ का मेरे पास फ़ोन आया, कुछ मैंने जानकारियों के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाए हुए थे, तो जानकारी मुझे मिल नहीं रही थी, तो उसकी फिर मैंने अपील करी थी ग्वालियर, उसके बाद वहाँ से भी जानकारी नहीं मिली, तो मैंने माननीय राज्य सूचना आयोग भोपाल को अपील करी थी, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेके 19 तारीख को सीएमओ को सारी जानकारी लेके भोपाल आने को निर्देशित किया था। इस संबंध में सीएमओ साहब ने मुझे बुलाया था कि वो आपकी जानकारियाँ हैं वो हम आपको दे रहे हैं, आप नगर पालिका आ जाओ। मैं नगर पालिका ही जीवन में चला गया, तो उन्होंने वहाँ पर अशोक श्रीवास्तव बाबू हैं जो कि रावगढ़ में इस समय पदस्थ थे, वो वहाँ मौजूद था, उस वजह से उन्होंने मुझे जानकारी देने को बोला, तो उसने सीएमओ साहब को माँ बहन की गालियाँ बकी और मुझे भी गाली बकी और कहा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मैं ना मुझे देना, मैं रावगढ़ पदस्थ हूँ इसलिए मैं कोई जानकारी। जब वो रावगढ़ पदस्थ थे, मेरा मतलब प्रश्न ये है कि जब रावगढ़ पदस्थ थे, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो उसका हेडक्वार्टर रावगढ़ है, तो फिर वो रावगढ़ बिना किसी की प्रशासनिक अधिकारी की स्वीकृति के यहाँ पर क्या कर रहा था। फिर दूसरी बात, तो सीएमओ साहब ने कहा ठीक है भाई नहीं देते तो कोई बात नहीं, हम दूसरे बाबू से बनवाते। फिर वो बाहर चला गया, बाहर जाके उसने ग्रामीण अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया, क्या किया, 7-8 जने अचानक अध्यक्ष जी के साथ 7-8 जने आए और मुझ पर पीछे से आके हमला कर दिया। कहाँ पर? नगर पालिका में तेज सिंह यादव साहब के चैम्बर, और हमला करके मेरे घर मारपीट की। सीएमओ साहब ने और तेज सिंह यादव साहब ने बीच बचाव किया, तो उनसे भी अध्यक्ष जी ने गाली गलौज करी और बुरा भला कहा उनको, मुझे भी गालियाँ बनी। फिर बीच बचाव के दौरान ही मेरे को भागने का मौका मिल गया, तो मैं वहाँ से भाग गया। अब मेरे द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी, ये जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि जानकारी ना दूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे द्वारा जो जानकारी मांगी गई है वो कहीं ना कहीं सत्य है, तो इनको ये जानकारी देना चाहिए। अब तो मेरा कहना यही है कि अब तो इनके संबंधित बाबू हैं, अधिकारी हैं, इन सब पे FIR होना चाहिए, जिन्होंने माननीय राज्य सूचना आयोग के निर्देशों की भी अवहेलना की। किस से मारा आपको? नहीं, हथियार मतलब मुझे जान से मारने की धमकी दी, गालियाँ दी और हाथ और लात घूसे से मारा। ठीक, करीबन कितने बजे की घटना थी वो? मतलब पूरा जो हमला मेरे ऊपर किया गया, ये पूरा हमला निश्चित षड्यंत्र पूर्वक मुझे बुलाकर कितने बजे योजनाबद्ध तरीके से, कितने बजे की घटना थी? लगभग 5:30 और 6 बजे के लगभग है।